अरे 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 मंगला, यहाँ तो सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो देख, अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों का महल। इनमें से एक भवन उनका भी है। मैं और द्वारिकाधीश बड़े आनंद से यहाँ रहते हैं। वो देखो, वो है मेरे भवन का द्वार। कितने लोग आ जा रहे हैं ना, कईयों को तो मैं पहचानती भी हूँ। ये सात्यकी हैं और ये कृतवर्मा, जानती है, ये नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति हैं। और वो देख, वो देवी रुक्मणी की सुता के वर हैं। आहा, विदाई दी जा रही है। और वो उद्धव प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ने तो कितनी सुंदर मुख छवि पाई है ना, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। कभी कभी तो लगता है स्वामी ही हैं। और वो देखना, भुवनपति द्वारिकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व। भाई जी, ये आपको क्या हो रहा है? भाई जी, मीराबाई की मीराबाई इस लोक की नहीं है। सुना तुम लोगों ने, क्या कह रही थी? जहाँ में पत्थर की इमारतें और नगर ही दिख रहा है, वहाँ मीराबाई अपनी दिव्य दृष्टि से द्वापर युग की लीलाएं देख रही है। अरे, ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमारे जीवन काल में ऐसी संत इस धरती पर विचरण कर रही है। भैया, मैं तो मीराबाई के साथ साथ ही यात्रा करती हूँ। बड़े अनूठे अनुभव होते हैं। कहते हैं संतों की यात्रा में स्वयं ठाकुर जी भी साथ साथ चलते हैं। सत्य वचन, आओ इनकी चरण रज मस्तक पे धारण करें। आओ भैया, मीराबाई के सत्संग में चलें। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा, कौन संग छोड़ो। गिरधर गोपाल की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, मीराबाई की जय हो। क्या बात है बाबा, बड़े कष्ट में लग रहे हो। बहुत दुखी हूँ, मेरा जवान पुत्र मर गया। तभी से घर छोड़कर सारे तीर्थों में घूम रहा हूँ। अब अंत में द्वारका पहुँचा हूँ, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बाबा, केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगना ही समस्या का हल नहीं है। मैं दुख से तप गया हूँ, मेरे दुख का निवारण कर दीजिए। एक बात तुम सब समझ लो, मोह ही दुख का मूल है। पाप का पिता मोह है, माँ तृष्णा है, और क्रोध, मद, मत्सर, आशा आदि इसके कुटुंबी हैं। स्मरण रहे, इनका एक भी सदस्य मन में घुसा नहीं कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब का नाश कर देगा। फिर पाप की पत्नी अशांति आएगी और अंत में उसकी पुत्री मृत्यु आकर डस लेगी। इस मोह माया के जाल से बचने का उपाय बता दो माँ। इससे बचने का उपाय है भजन और संतों का सत्संग। कुवरानी जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं चित्तौड़ का महंत, ये मेवाड़ के कुलगुरु, ये जागीरदार, सरदार, ये सभी आपसे मिलने आए हैं। मैंने आप सबको पहचान लिया, राजगुरु जी, महंत जी, बीजा, आप सब यहाँ द्वारिका में तीर्थ करने निकले हैं। हे मीराबाई, जहाँ आप जैसा संत हो वही तीर्थ है। हमें क्षमा करें, आपको हम पहचान न सके। अपने धर्म के नशे में आपका अनादर करते चले गए, एक परम भक्त के प्रति अपराध पर अपराध करते चले गए।
आपके विरुद्ध न जाने मैंने कितने साधुओं के मन में विष घोला, उन्हें भड़काया, धर्म अदालत में सबके सामने आप पर झूठे आरोप लगाए, कुंभ श्याम मंदिर में आपकी साधना में न जाने कितनी बार मैंने विघ्न डाला, बड़े वैष्णव अपराध हुए हैं मुझसे, क्षमा करें। हुकुम हुकुम, आपका सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ, मैं बीजा आस्तीन का सांप, आपको जहर दिया, मारने के लिए सर्प भेजे, कितने विषैले षड्यंत्र रचे आपके विरुद्ध, ये जो मेरा हाल है, ये उन्हीं अपराधों का परिणाम है। सुबह का भूला यदि संध्या तक घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। मीरा, जाने अनजाने जो अपराध तुम्हारे साथ मेड़ता में हुए, तुम्हारा ना चाहते हुए भी विवाह करवा दिया, हमें उसकी बड़ी ग्लानि है बेटी। इन्हीं अपराधों के कारण मेवाड़ और राठौर कुट पर आपदा आ पड़ी है। कुंवरानी जी, महाराणा के पधारने के बाद चित्तौड़ का सर्वनाश हो गया, मेवाड़ कुल की मर्यादा के प्रतिबिंब विजय स्तंभ पर अब चांद सितारे वाला हरा झंडा लहरा रहा, हम राजपूतों के लिए कितनी लज्जा की बात। राज्य में अकाल पड़ गया है, प्रजा भूख और प्यास से त्राहि त्राहि कर रही है। कुंवरानी जी, राजकोष खाली हो गया है, चारों ओर निराशा और दुख के बादल छाए हुए हैं। हमें आभास हो गया है ये सब आपको सताने, आपको यातनाएं देने और उसके कारण आपका मेवाड़ परित्याग करने के कारण हो रहा है। हम तो आपके बालक हैं, बालक तो माँ के पेट में रहते भी कष्ट देता है। हुकुम, हमें क्षमा करें। राणा जी और उदाबाई को भी अपने किए पे बहुत पश्चाताप है, उन्होंने आपसे क्षमा मांगते हुए आपसे पुनः मेवाड़ लौटने का आग्रह किया है। मीरा, जो भी अपराध दोनों कुल से हुआ अपने उदार भाव से क्षमा करो और मेवाड़ लौट जाओ। हे माँ, आप कृपा करके वापस लौट चलें, मेवाड़ की धरा उससे पुनः जीवित हो जाएगी, प्रजा और राज परिवार खुशहाल हो जाएंगे। ये बूढ़ा ब्राह्मण आज अपनी यजमान वधू से मेवाड़ की रक्षा की भीख मांगता है। राजगुरु जी, मनुष्य केवल अपने कर्मों का फल पाता है, मेवाड़ और मेड़ता की विपद गाथा सुनकर मेरा जी बहुत दुखी हुआ है, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी ने दुख दिया, और यदि दिया भी है तो मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और ना ही कभी कोई आभास हुआ है। ये संपूर्ण दृश्य मेरे प्रभु का स्वरूप है, हम तो बस साक्षी हैं इस लीला के। और रही बात मेरे वापस लौटने की, तो इस पावन भूमि में आकर भला कौन वापस जाना चाहेगा। हुकुम, यूं ना हमें ठुकराए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, पूरा मेवाड़ आपके आने की आस लगाए बैठा है। अभी तो आप लोग द्वारकापुरी में पधारे ही हैं, थोड़ा दर्शन कर लें, मुझे कुछ दिन विचार करने का समय चाहिए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहियो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहियो न जाए, प्यारे। उठो मीरा, आंखें खोलो। आप कौन हैं देवी? मुझे द्वारकाधीश की पट महादेवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वैदर्भी जी ने यहाँ भेजा है आपको पिछला वृतांत बताने, जिससे आपकी दुविधा का समाधान हो जाए। मेरा पिछला वृतांत वो क्या है देवी? आप द्वापर युग की माधवी हैं, सूर्य ग्रहण के समय
जब सब ब्रजवासी ब्रजभान बाबा मैया के साथ ब्रजनंदिनी श्री राधा रानी यहाँ द्वारका में पधारी, तब आप भी उनके साथ थी। द्वारका की सब महारानियों ने मिलकर एक एक दिन श्री किशोरी जी के भोजन का आयोजन किया। एक दिन जब आप श्री राधा रानी के साथ श्री वैदर्भी जी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं, उनके यहाँ महादेवी भोजन करने पधारी, तो वो उनके महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर एक दो क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभव का आनंद प्राप्त करने और द्वारकाधीश की महारानी बनने की अभिलाषा जाग गई थी। थोड़ी देर बाद आप सब भूलकर श्री किशोरी जी के साथ वापस ब्रज लौट आई, परंतु काल के अनंत क्रम में आपका यह संकल्प जड़ित हो गया, जिसकी पूर्ति होने का समय आ गया है। हे देवी, क्या तभी जब मैंने द्वारिका में प्रवेश किया तो मुझे अपने विवाहित जीवन के दृश्य दिखने लगे थे? हाँ मीरा, वो तो एक छोटी सी झांकी थी, शेष तो अभी बाकी है, जिसके पूरे होने के पश्चात आप श्री किशोरी जी की सेवा में पुनः लीन हो जाएंगी। क्या मुझे द्वारिका से मेवाड़ वापस लौटना होगा? मैं ये देह नहीं रखना चाहती, यही मेरे दुख का कारण है। नहीं लौटना होगा, नहीं नहीं हेमा, मार दे दे। क्या होगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। माँ हम नहीं जाएंगे, माँ आपको चलना होगा। माँ गोपाल हे सजन सुधी जो जानो त्यों लीजे, सजन सुधी जो जानो त्यों लीजे। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप लोगों से क्या कहूँ। मैं श्री द्वारिकाधीश के चरणों में आपकी प्रार्थना रख देती हूँ, फिर जो वो चाहे सो हो। मैं मंदिर से होकर अभी आई। आओ मीरा, चलो अपने महल में। प्राणेश्वर, द्वारिकाधीश, मेरे नाथ, जी कुबरानी जी को गए काफी समय हो गया, वो मंदिर से बाहर नहीं गए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ। आश्चर्य है, ये कैसी लीला है, मंदिर में तो कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हैं महन जी, हम लोग तो तब से यही खड़े हैं, मंदिर में ना कोई गया और ना आया, फिर कुबरानी जी कहाँ चली गई? पता नहीं, ये कैसा चमत्कार है, यही तो समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, मीराबाई के ओढ़ने का छोड़ ये द्वारिकाधीश के मुख में अटका हुआ था। क्या लीला है, कुबरानी जी के ओढ़ने का छोड़, दिखाइए दिखाइए मान जी। हाँ हाँ, ये तो उन्हीं का है, देखो देखो। हाँ, ये तो मेरे भाई जी का ही है।
इसका क्या अर्थ है महन जी, कुछ तो बोलिए। लगता है अपने द्वारिकाधीश में लीन हो गई, जिनके थी हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं में समा गई। भाई जी, भाई जी, भाई जी, नहीं आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। भाई जी, मैं भी आ रही हूँ भाई जी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। राधे, अभी श्याम सुंदर और किशोरी जी की झांकी का आप आस्वादन और आशीर्वाद लें। कुछ ही क्षण में झांकी का दर्शन खुलेगा। ये मीरा जी का जो लीन होना है, अदृश्य होना है, ये इसीलिए है कि मीरा मरी नहीं है। भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है, ये बात भागवत में लिखा है। ध्रुव जी के जब जाने के समय आया, क्योंकि जो आता है ये प्रभु की लीला है, उसको जाना पड़ता है, तो वहाँ श्लोक आया है, तदोत्तान पदा पुत्रो, उत्तान पाद के पुत्र ने देखा, दृष्ट्वान तकमागतम, काल आया है और हमारे तुम्हारे लिए तो काल अलक्षित रूप से आता है, जाने कब आता है, कैसे आता है, किसी को पता नहीं, कब आएगा किसी को पता नहीं। लेकिन भक्त के सामने साक्षात रूप से आता है। ध्रुव के सामने आया और हाथ जोड़ करके बैठ गया कि अब प्रभु की इच्छा है आप उनके धाम में जाएं। तो उन्होंने काल के सिर पर पांव रखा, मृत्यो मूर्नि पदम दत्वा आरुरोहत अद्भुतम गृहम, और उस विमान पर चढ़ गए। इसी तरह से मीरा जी मरी नहीं थी। लिखा है दोहा, नाचत घुंगरू बांध के हाथन में करताल, और अंत में लिखा है मीरा को प्रभु लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो चुंदरी छोर। तैयार है, अब झांकी के दर्शन करो। ये हमने एक प्रमाण बता दिया अंत में लीला का।
सारी लाइट जला दो भाई। Sun.